बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स। आप इकराम सैयद साजिद के साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्फा चौंक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एक्सरसाइज 7.2 का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के चार पार्ट हैं। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ, ये हमारे पास ए पार्ट है, एक्स की पावर 2+3 ओवर एक्स। देखें, जब दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हों तो हम लोग कोशेंट रूल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लेट करते हैं, ये जो हमारे पास रकम है ये ए की, ये हमारे पास वाई की रकम है। वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 2+3 ओवर एक्स। अब हम लेट करते हैं, ऊपर वाली रकम हमारे पास यू है, यू, और नीचे वाली रकम हमारे पास वी है। इस फार्मूला की मदद से कोशेंट रूल का फार्मूला बनाते हैं। इस क्वेश्चन में एक्स वेरिएबल है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू नीचे वाली रकम वैसे यानी वी वैसे, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव लेंगे, एक्स वेरिएबल है, डी यू ओवर डी एक्स। कोशेंट रूल में फार्मूले के अंदर माइनस का साइन आता है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ऊपर वाली रकम वैसे यानी यू वैसे, और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव यानी इस रकम का डेरिवेटिव लेंगे, डी वी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ओवर का बट्टा, और नीचे वाली रकम का स्क्वेयर यानी वी का स्क्वेयर। अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी यानी नीचे वाली रकम वैसे, एक्स वैसे, ये वाली रकम यहाँ पे लिखेंगे ये वैसे आ जाएगी, एक्स वैसे, यू यानी ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव, इस रकम का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव, डी यू विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, यहाँ पे लिखेंगे डी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये वाली रकम यहाँ पे लिखेंगे एक्स की पावर 2+3, ये फार्मूले वाला माइनस। नेक्स्ट आता है यू यानी ऊपर वाली रकम वैसे, ये वाली रकम यहाँ पे वैसे आ जाएगी, एक्स की पावर 2+3 डी वी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स यानी नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव, इस रकम का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये वाली रकम यहाँ पे आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव लेंगे एक्स ओवर नीचे वाली रकम का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, एक्स का ये स्क्वायर आ जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पहली रकम वैसे, एक्स वैसे आ जाएगा, इस रकम का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की पावर 2, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, एक्स की पावर को एक्स के कोफिशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आता है, 2 - 1 प्लस का 3, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है वो 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। माइनस फार्मूले वाला, ये वाला रकम वैसे, एक्स का स्क्वायर प्लस का 3, इस रकम का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 आ जाएगा, और नीचे वाला रकम का स्क्वायर ये वैसे आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 2x माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को माइनस के एक्स के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जमा नफी नफी, तो माइनस का क्या आता है एक्स का स्क्वायर, माइनस के 1 को प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जमा नफी नफी, तो माइनस का क्या आता है हमारे पास 3 ओवर एक्स का स्क्वायर। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स को प्लस के 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स जमा होती हैं, x के ऊपर 1 पावर है, x के ऊपर 1 पावर है,
तो हमारे पास आएगा 2x की पावर 2 माइनस का एक्स का स्क्वेयर माइनस का 3 ओवर एक्स का स्क्वेयर। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर, प्लस के 2x के स्क्वेयर में से माइनस के एक्स के स्क्वेयर को लेस करेंगे तो प्लस का आता है हमारे पास एक्स का स्क्वेयर माइनस का 3 बटे एक्स का स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का जवाब है। यहाँ पे जवाब लिखते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर माइनस का 3, एक्स का स्क्वेयर माइनस का 3 ओवर एक्स का स्क्वेयर। ये जो हमारे पास ए पार्ट है, ए पार्ट का ये हमारे पास क्या है, आंसर है।